नमस्ते, आऊं प्रज्ञा स्लोत्रा सिद्धि लकीर च तुसें सारे लोकें दा मता मता मलार करनी ते कन्नै गै कोरोना वायरस दी अपडेट अज्ज परती तुंदे सारे लोकें दे सामने पेश करनी आ। ते तुसें अज्ज दसां कि अज्ज दे दिन जम्मू कश्मीर च जेह्ड़े कोरोना वायरस दे नवे पॉजिटिव केस दिखने थ्होए न, ओह् है 122। 122 नवे केस अज्ज दे दिन जम्मू कश्मीर च कोविड-19 दे पाए थ्होए न। और कन्नै गै तुसें एह् भी दस्सी ओड़ना, जे जम्मू डिवीजन दी गल्ल करां ते जम्मू डिवीजन च अज्ज दे दिन 20 नवे पॉजिटिव केस जेह्ड़े न ओह् दिखने ही थ्होए। और जे गल्ल करां कश्मीर डिवीजन दी ते कश्मीर डिवीजन तो 102 नवे पॉजिटिव केस जेह्ड़े न अज्ज दे दिन यानी कि 21 जून 2020 च थ्होए न। एह्दे के कन्नै तुसें एह् भी दस्सी ओड़ा कि 46 रिकवरियां जड़ियां ने अज्ज जम्मू कश्मीर च दिखने की थोइयां, जिदे विचू 38 लोग जड़े ने रिकवर होए ने जम्मू डिवीजन तू और कश्मीर डिवीजन तू। अज्ज जम्मू डिवीजन दे कंपैरिजन च थोड़ी घट रिकवरियां हुई हैं, 8 रिकवरियां जड़ियां वो कश्मीर डिवीजन तू भी हुई हैं। और जे गल करां मौत दी ते एक बंदे दी कोविड-19 दे कारण, और वो मौत जड़ी हुई है वो कश्मीर डिवीजन तू है। हुण तुहेंगी इह दसां कि हले तक जम्मू डिवीजन च, पहले जम्मू डिवीजन की गल करने हैं, जम्मू डिवीजन च हले तक जो टोटल 579 रिकवरी किनी हो चुकी दी जम्मू डिवीजन च, वह भी तुसें सारे दस्सी ओड़ा। 777 लोकें रिकवर कर लिया है जम्मू डिवीजन तो। और जो गल करा मौतियां दी, तो 10 लोकें अपनी जान भी गवाई है कोविड-19 की वजह करने जम्मू डिवीजन तो। हूँ तुम्हें तो यह पहले दसा कि जेडे अज के दिन नवे 20 केस आए दिन है, वो केस जड़े ने किस जिले तो आ रहे जम्मू डिवीजन दे, वो भी तुसें गी पढ़िए दसनी आ। ये मैं तुसें गी दसनी आ कि अज दे दिन 20 नवे केस जड़े ने वो आए ने और रिकवरीज भी हुई हैं। 38 रिकवरियां जड़ियां ने वो जम्मू डिवीजन च अज दे दिन दिखने ही थोई। जम्मू डिस्ट्रिक्ट तो शुरुआत करगी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट तो अज दे दिन कोई भी नवा केस कोरोना वायरस का नहीं थोया। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट दे सिटी वाले ताई बड़ी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट दे रौहने वाले लोकां ताई। उधमपुर तो अज दे दिन 3 नवे पॉजिटिव केस दिखने थोए, उन 3 विचू एक ट्रैवलर ही तो बाकी 2 जड़े है वो लोकल है। रामबन तो एक बंदा जड़ा वो अज दिन पॉजिटिव आया है और वो लोकल बंदा ही। दुए तो अज दे दिन 5 नवे केस जड़े ना वो दिखने थोए ना, और वो 5 जड़े है वो ट्रैवलर है। सांबे तो भी अज दे दिन कोई भी नवा केस जड़ा दिखने की नहीं थोया है। पुंछ तो अज दे दिन 2 केस जड़े रिपोर्ट होए और वो दोनों ते दोनों जड़े है वो ट्रैवलर है। रजौरी तो 8 नवे केस कोरोना वायरस दिखने की थोए ना, और वो भी 8 जड़े है वो ट्रैवलर है। डोडा और रियासी कोई भी पॉजिटिव केस दिखने की नहीं थोया कोरोना वायरस का। और जो गल करा किश्तवाड़ की, तो किश्तवाड़ तो एक बंदा अज दिन पॉजिटिव आया है और एक बंदा जड़ा हा वो ट्रैवलर हा। तो हूँ तुहेंगी दसा कि अज के दिन जड़िया टोटल रिकवरियां होई दियां ने, तो वह जम्मू डिवीजन च किस डिस्ट्रिक्ट तो किनिया होई दियां ने। जम्मू डिस्ट्रिक्ट तो अज के दिन कोई भी रिकवरी जड़ी वह नहीं हुई, कोई बंदा ठीक हो अज के दिन। रामबन तो अज के दिन 18 लोग जड़े ने इस बीमारी तो छुटकारा पाई बैठे दिन है। रामबन के रोने वाले 18 लोग कोविड-19 जनेही बीमारी के जाल तो निकलीए, रिकवर होइए, डिस्चार्ज होइए, अपने घर जड़े ने वह पुजी दे। इं कि तुम्हें कठुए का भी दसा, तो कठुए तो 4 लोग अज के दिन ठीक होई दे ने कोविड-19 की नई बीमारी तो। सांबा तो अज के दिन कोई भी रिकवरी की खबर नहीं आई है। पुंछ तो अज के दिन 11 लोग जड़े ने रिकवर करी बैठे दिन है। रजौरी तो कोई रिकवरी की खबर नहीं आई अज। डोडा तो अज के दिन 2 लोग जड़े ने ठीक होए ने। रियासी तो एक बंदे की रिकवरी है, और जो गल करा किश्तवाड़ की, तो किश्तवाड़ तो भी 2 बंदे जड़े ने अज के दिन रिकवर करी बैठे दिन है। तो हूँ तुम्हें दसा कि हले तक जम्मू डिवीजन की जो गल करा, तो जम्मू डिवीजन च टोटल किन्ने केस जड़े ने वह दिखने ही थोए कोविड-19 के, वह भी तुसें मैं दसी ओड़ा। कि अज की गल करा, तो अज के दिन तो मैं तुसें दसिया कि 20 नवे केस जड़े वह दिखने ढोए और 38 रिकवरियां हुई। पर जे मैं गल करा हूँ टोटल की, तो टोटल तुसें दसा कि 1,366 लोग जड़े ने कोविड-19 का शिकार हो चुके थे जम्मू डिवीजन तो, जिदे विचू एक्टिव जड़े ने 579, रिकवरीज टोटल हुई 777, और 10 लोगों अपनी जान भी गवाई है। हूँ टोटल केस टोटल हले तक जम्मू डिवीजन के किस डिस्ट्रिक्ट तू, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की गल करा, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट तू 309 कोरोना वायरस के केस जड़े वो दिखने थोए, यानी कि 309।
उधमपुर तू 212 केस जड़े ने टोटल हले तक दिखने की थोए ने। रामबन तू 208 नवे केस, 8 टोटल केस जड़े कोरोना वायरस दे दिखने थोए। कठुए की गल करा तो कठुए तू 194 टोटल कन्फर्म्ड केसेस कोरोना वायरस दे थोए ने। सांबे तू हले तक 127 लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके ने। पुंछ तू 110 लोग। जे गल करा रजौरी की तो रजौरी तू 82 लोग, डोडा तू 67, रियासी तू 32 और किश्तवाड़ तू 25 हो चुके ने। हूँ जे गल करा इन एक्टिव किन्ने ने, ये टोटल तो ही मैं दसे इन किन्ने ऐसे केस ने जेडे अले भी इस बीमारी कन्नै लड़ा देना वो भी तुसें ही दसी होना। तो एक्टिव जड़े ने जम्मू डिस्ट्रिक्ट तू अले भी जेडे एक्टिव ने वह 109, उधमपुर तू 94 केसिस अले भी एक्टिव ने। कठुए तू अले भी, कठुए की गल करा तो कठुए तू 88 केसिस अले भी एक्टिव ने। रामबन तू 74 एक्टिव केसिस जेडे दिखने की थोआ दे ने। सांबे तू 77 केसिस अले भी एक्टिव ने। पुंछ की गल करा तो पुंछ के रोने वाले 42 लोग अले भी इस बीमारी कन्नै लड़ा दे ने। रजौरी तू 46 एक्टिव केसिस जेडे ने वो दिखने की थोआ रहे। डोडा तू 25 लोग जेडे ने अले भी इस बीमारी का शिकार ने, वो लड़ा दे ने इस बीमारी कन्नै। तो गल करा जो रियासी की तो रियासी के रोने वाले 9 बंदे इस बीमारी कन्नै लड़ा दे ने। और जो गल करा किश्तवाड़ की तो किश्तवाड़ तू 15 हले तक सामने आई दी। हूँ गल करा कि हले तक किन्नी रिकवरियां जड़ियां ने वह जम्मू डिस्ट्रिक्ट दे हर जम्मू डिवीजन दे हर एक डिस्ट्रिक्ट च किन्नियां रिकवरियां होई दियां वह भी तुसें सारे लोकें दसना। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की गल करा तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट 193 रिकवरियां हो चुकी दियां ने। उधमपुर तू 117 लोकें रिकवर कर लिया है। रामबन की गल करा तो रामबन तू 134 लोग ठीक हो चुके ने। कठुए तू 106 रिकवरीज की खबर है हले तक। सांबे तू 50 लोग जड़े ने ठीक हो चुके ने। पुंछ के रोने वाले 68 लोग ठीक हो चुके ने। रजौरी तू टोटल रिकवरियां जड़िया हो चुकी है वह 35, 41 लोग रिकवर करी बैठे ने। बैठे ने। और जो गल करा किश्तवाड़ की तो किश्तवाड़ के भी रोने वाले 10 लोग जड़े ने इस बीमारी तू छुटकारा पाई बैठे ने। और जी 10 मौत हुई दियां ने दसी ओड़ा कि और कुथों हुई दियां। जम्मू डिस्ट्रिक्ट तो शुरुआत करगी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट तो 7 लोगों की जान चली गई है कोविड-19 के कारण, मौत हुई दी है। रजौरी का भी रोने वाला एक बंदा जिहड़ा वह पूरा ही चुके दा है। और डोडा तो भी एक बंदे की पूरे होने की खबर ये जम्मू डिवीजन तो ही दसिया। हूँ कश्मीर डिवीजन तो दसनी आ, तो कश्मीर घाटी की बात करें तो आप सभी लोगों को पहले ये बता दूं कि आज के दिन कश्मीर घाटी में 102 केसेस देखे 19 के। और रिकवरीज की बात करूं तो 8 लोगों की रिकवरीज भी हुई है कश्मीर घाटी से। और डेथ की बात करूं तो एक शख्स कश्मीर घाटी से भी है जिस है वो कोविड-19 के कारण हो चुकी है। तो आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी में टोटल केसेस जो पाए गए हैं कोविड-19 के वो है 4,590, जिसमें से एक्टिव केसेस की बात करूं तो 1,913 लोग अभी भी एक्टिव हैं। रिकवरीज की बात करूं कि कितनी टोटल रिकवरीज कश्मीर घाटी में देखने को मिली है तो उनका आंकड़ा है 2,605। और बात करूं अगर डेथ्स की तो कल तक 71 थी और आज की एक डेथ को मिला के 72 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कश्मीर घाटी से। तो आज का अगर आपको बताऊं 21 जून 2020 का कि कश्मीर घाटी में जो 102 केसेस नए आए हैं वो 102 केसेस किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं वो भी देख लेते हैं। कुलगाम की बात करूं तो कुलगाम में आज के दिन 6 नए केसेस देखने को मिले हैं और उन 6 में से 3 ट्रैवलर्स थे और 3 लोकल थे। श्रीनगर में आज के दिन 32 नए केसेस कोविड-19 के पाए गए हैं, जिसमें से 14 लोग जो थे वो ट्रैवलर्स थे और बाकी के 18 लोग जो हैं वो लोकल लोग थे। शोपिया में आज के दिन कोई भी केस कोविड-19 का नहीं देखने को मिला। अनंतनाग से आज के दिन 15 नए केसेस देखने को मिले हैं और उन 15 में से एक ट्रैवलर था और बाकी के 14 जो है वो लोकल लोग थे। बारामूला से आज के दिन 17 लोग पॉजिटिव आए हैं और उन 17 में से 15 लोकल लोग थे और 2 ट्रैवलर थे। कुपवाड़ा में आज के दिन 5 नए कोविड-19 के केसेस, 5 के 5 जो थे वो लोकल लोग थे। पुलवामा में आज के दिन एक शख्स पॉजिटिव आए हैं और वो भी लोकल थे। बड़गाम में आज के दिन 15 नए केसेस देखने को मिले हैं कोविड-19 के और उन 15 में से कोई भी ट्रैवलर जो है वो नहीं था।
बांडीपुरा से 10 नए केसेस देखने को मिले हैं, और जिनमें से 4 जो हैं वो ट्रैवलर्स थे और बाकी के 6 जो हैं वो लोकल लोग थे। गांधरबल से एक शख्स जो है वो पॉजिटिव आए हैं और वो भी लोकल है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दूं, जो आज के दिन 8 रिकवरीज हुई हैं कश्मीर घाटी से, तो सबसे पहली रिकवरी जो हुई है वो अनंतनाग से हुई है, उसके बाद 2 शख्स जो रिकवर हुए हैं वो कुपवाड़ा के रहने वाले थे, और बांडीपुरा के रहने वाले 4 लोग आज के दिन रिकवर हुए हैं, और गांधरबल का रहने वाला एक शख्स आज के दिन इस बीमारी से छुटकारा पाकर रिकवर होकर अपने घर जो है वो जा चुके हैं। तो ये थी आज की कश्मीर घाटी से रिकवरी, टोटल 8 8। अब आपको ये बता दूं कि कश्मीर केसेस जो हैं वो COVID-19 के देखने को मिले हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कितने टोटल केसेस जो हैं वो पाए गए हैं। कुलगाम में टोटल केसेस जो देखने को मिले हैं वो है 681, और उन 681 में से अगर एक्टिव की बात करूं तो 199 लोग अभी भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। श्रीनगर की बात करूं तो श्रीनगर में टोटल केसेस जो COVID-19 के अभी तक पाए गए हैं वो है 673, और बात करूं केसेस की तो अभी भी श्रीनगर से जो एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं वो है 428 केसेस। शोपियां से बात करूं अगर शोपियां की, तो शोपियां से 614 टोटल केसेस कंफर्म्ड कोरोना एक्टिव की, तो शोपियां से कितने अभी भी इस बीमारी वो है 184 लोग। अनंतनाग से टोटल जो कोरोना वायरस के केस पाए गए हैं वो है 606, और एक्टिव जो अभी भी हैं वो है 175। बारामूला की में 599 टोटल केसेस COVID-19 के देखने को मिले, और एक्टिव की बात करूं तो एक्टिव उनमें से अभी भी 318 हैं। कुपवाड़ा से 440 नए केसेस पाए गए, 440 टोटल COVID-19 के केसेस देखने को मिले, और एक्टिव जो अभी भी हैं वो है 118। पुलवामा से बात करूं अगर पुलवामा की, तो पुलवामा से 313 टोटल केसेस COVID-19 के देखने को मिले हैं, और बात करूं अगर एक्टिव भी पुलवामा से लोग लड़ रहे हैं COVID-19 से लड़ाई अपनी, तो उनका आंकड़ा है 240। इसी के साथ आपको बताऊंगी बड़गाम में कितने केसेस जो हैं COVID-19 के, तो उनका आंकड़ा है 326, और एक्टिव जो है वो अभी भी 191 है। बंडीपुरा के रहने वाले 270 लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, और उन 270 में से 51 अभी भी एक्टिव हैं। गांधरबल से 68 केसेस जो हैं टोटल देखने को मिले हैं, और उन 68 में से 9 लोग अभी भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। अब बात करूं अगर रिकवरीज की, तो किस कश्मीर घाटी की किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी रिकवरीज जो हैं वो हो चुकी हैं वो भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कुलगाम की बात करूं तो कुलगाम से 473 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं COVID-19 बीमारी से। श्रीनगर के रहने वाले 226 लोग ठीक हो चुके हैं। शोपियां के रहने वाले 420 लोग इस बीमारी से छुटकारा पाकर रिकवर हो चुके हैं। बात करूं अनंतनाग की, तो अनंतनाग से 426 लोगों की रिकवरी की खबर है अभी तक। बारामूला की बात करूं तो बारामूला से 267 लोगों ने रिकवर कर लिया है आज की तारीख तक। और कुपवाड़ा की बात करूं तो कुपवाड़ा से 317 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। पुलवामा के रहने वाले 70 लोग जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। बात करूं बड़गाम की, तो बड़गाम से 129 लोग रिकवर कर चुके हैं। बांडीपुरा से 218 लोगों की रिकवरीज की खबर है अभी तक। और गांधरबल की बात करूं तो गांधरबल से भी 59 लोग जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। अब बात करूंगी कश्मीर घाटी में जो डेथ्स हुई हैं, कश्मीर घाटी में टोटल डेथ्स हुई हैं COVID-19 के कारण 72, और वो 72 डेथ्स किस डिस्ट्रिक्ट से हुई हैं वो भी हम जानते हैं। कुलगाम की बात करूं तो कुलगाम से 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है COVID-19 के कारण। श्रीनगर के रहने वाले 19 लोग जो हैं वो COVID-19 के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। शोपियां के रहने वाले 10 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। अनंतनाग के रहने वाले 5 लोगों की मौत की खबर है। बारामूला से 14 लोगों की मौत की खबर है COVID-19 के कारण। कुपवाड़ा से 5 लोगों की मौत की खबर है। पुलवामा से 3 लोगों की मौत की खबर। बड़गाम से 6 लोगों की मौत की खबर। बांडीपुरा से एक शख्स की मौत की खबर। और गांधी
जो है वो सामने नहीं आई है। अगर बात करूं कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी मौतें जो है वो हो चुकी हैं, तो सबसे ज्यादा डेथ देखने को मिली है श्रीनगर से। श्रीनगर 19 मौतें जो है COVID-19 के कारण श्रीनगर में हो चुकी हैं। और उस दूसरे नंबर पे आता है बारामूला। बारामूला 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसी के साथ अगर आपको ये भी बताऊं कि इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे जो आ रहा है डिस्ट्रिक्ट वो है शोपियां। शोपियां में 10 लोगों की मौत की खबर है। और बात करूं अगर कुलगाम की, तो कुलगाम जो चौथे नंबर पे आ रहा है, 9 लोग कुलगाम से भी जा चुके हैं COVID-19 के। तो अब आपको बताऊं कि टोटल जम्मू कश्मीर में कितने केस आज की तारीख तक पाए गए हैं COVID-19 के, तो उनका आंकड़ा कुछ इस तरह है। 5,956 केसेस जो है COVID-19 के जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं, जिनमें से अगर एक्टिव केसेस की बात करूं तो एक्टिव केसेस जो हैं टोटल आपको बता दूं 2,492 हैं। और रिकवरीज टोटल जो हो चुकी हैं वो है 3,382। और आपको ये भी बता दूं कि 5,956 टोटल कंफर्म्ड केसेस में से ट्रैवलर्स कितने थे, तो आपको बता दूं 2,027 लोग जो थे वो ट्रैवलर्स थे। और बाकी के जो लोकल लोग जिन्होंने वो इन नंबर्स में शामिल हुए हैं, उनका आंकड़ा है 3,929। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि 39,000 से भी ज्यादा 3,900 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो इन नंबर्स में शामिल है, जो लोकल लोग थे जिन्होंने लापरवाही की है। और अगर आज की बात करूं तो 122 जो नए पॉजिटिव केसेस देखने को मिले हैं आज के दिन जम्मू कश्मीर में, उसमें से 41 जो थे वो ट्रैवलर्स थे और बाकी के 81 लोग जो थे वो लोकल लोग थे। ये लोकल लोग वो लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं और अपनी लापरवाही के कारण खुद तो इस बीमारी का शिकार हो ही रहे हैं और अपने साथ ही साथ अपने आस पड़ोस और अपने परिवार वालों को भी इस बीमारी के जाल में फंसा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आज के दिन भी 122 नए केसेस जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं, एक शख्स ने अपनी जान भी गंवाई है। और बात करूं अगर रिकवरीज की, तो टोटल 46 लोगों ने रिकवर किया है। आज के दिन देखने को ये मिला कि रिकवरी और कश्मीर डिवीजन में कुल 8 लोग जो है वो रिकवर कर पाए हैं। जम्मू डिवीजन में आज के दिन 38 लोगों ने रिकवर कर लिया है। कश्मीर घाटी की बात करूं तो कश्मीर घाटी में 72 लोगों ने अपनी जान भी गंवा ली है। और बात करूं रिकवरीज की, तो 2,605 लोगों ने रिकवर भी कर लिया है कश्मीर घाटी से। लेकिन अगर बात करें जो मेन मुद्दा है एक्टिव केसेस की, जो अभी भी लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनका आंकड़ा है 1,913। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, टोटल अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में डेथ्स की, तो 82 लोगों ने अपनी जान आज की तारीख तक गंवा दी है। दिन ब दिन देखने को ये मिल रहा है कि ये नंबर जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कल तक 81 लोगों की डेथ की खबर थी और आज एक और मौत मिलाकर 82 हो चुकी है। जम्मू डिवीजन से 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और बात करूं कश्मीर घाटी से, तो 72 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है COVID-19 के कारण। तो इससे साफ पता चलता है ये बीमारी कोई छोटी बीमारी है नहीं। कुछ ही महीनों में जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले 82 लोगों ने जान गंवा ली है अपनी। और अगर भारत की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि कितने ज्यादा लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। और 24 घंटों का अगर आप देखें हिसाब, तो 24 घंटों में ही हमारे भारत में कितने नए केसेस जो है वो पाए जाते हैं COVID-19 के, ये पाए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ही इसका कारण है। हम लोग खुद ही इस बीमारी को अपने साथ अपने करीब और ला रहे हैं। और ये इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। अगर हम लोग लापरवाही कम करें तो ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग इसी तरह चलते रहे तो ये नंबर्स बहुत आगे तक चले जाएंगे, जैसा कि अभी तक भी देखने को मिले हैं कि पहले किस नंबर से ये स्टार्ट हुआ था। और आज ही आप हिसाब लगा देगी कि जम्मू कश्मीर की बात करूं सिर्फ, तो जम्मू कश्मीर में 82 लोगों ने अपनी जान गंवा ली है अभी तक। तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी, कश्मीर घाटी के लोगों से, कि आप लोग अपना ज्यादा ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ज्यादा डेथ्स जो देखने को मिल रही है वो कश्मीर घाटी से देखने मिल रही है। ज्यादा केसेस जो देखने को मिल रहे हैं वो भी कश्मीर घाटी से देखने को मिल रहे हैं, तो ये इसीलिए देखने को मिल रहे हैं। और ये भी एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि ट्रैवलर्स कम है, लोकल लोग जो हैं वो ज्यादा इन बीमारी का शिकार दिन ब दिन होते चले जा रहे हैं। और वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो लापरवाही कर रहे हैं।
वो लोग इस बीमारी को नॉन सीरियसली ले रहे हैं। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग इस बीमारी को नॉन सीरियसली ना लें, अपना ध्यान रखें। और जी गल करा मैं जम्मू वालों की, तो जम्मू वाले की मैं बोली बोली थकी गई नहीं हाँ, उम्मीद उम्मीद की करी सकनी है, उस तो बाद तो ही कुछ आख ही नहीं सकनी है, क्योंकि तुम तो सारे लोग समझदार हो और तुम्हें तो समझाने की लड़ भी पौनी नहीं चाह रही है। तुम तो पढ़े लिखे रहे लोग हो, तुम्हारे हथियार 24 घंटे फोन होंगे और फोन पर हर एक चीज़ जी दिखने की थोई जाती है, जो तुम चाह जो तुम चाहो। तुम कोई भी पेज खोलो, तुम कख भी खोलो, अजकल फटक पहले गए कोविड-19 के बारे तो ही साफ जरा लिखे रहा होंगे कि के किस तो ही करना है के किस तो ही नहीं करना है। जे सारा कुछ पढ़ने के बाद भी, जे इन्नी पढ़ाई करने के बाद भी, ये सारी चीजा दिखने के बाद भी, जे तो है अब दिखिए भी अपनी लापरवाही करो तो मेरे साथ अपनी बेवकूफी होगी कि एडी बड़ी बीमारी के पता होने के बाद ओ बीमारी जिन्हें विश्व भर च पूरे देशें बथेरे लोग जड़े ने बाकी कंट्रियां दे भी, और साढ़े अपने भारत की गल करा तो साढ़े भारत च भी किन्नी मौत हो चुकी हैं, बाहर भी किन्नी मौत हो चुकी हैं। ये सारी चीजा है अगर दिखिए सुनिए भी, अपनी अखा भी बंद कर लेचे और कान भी बंद कर लेचे तो मेरे हिसाब कने फिर अस गए बेवकूफ हैं। तो ये नंबर जोड़े मैं तुम्हें दसनी हूँ ये दसनी हूँ ताकि तुम्हें पता लगे कि केह किश हो आ रहा है साढ़े जम्मू कश्मीर च, किन्ने लोग जड़े ना वो पूरे हो चुके दिन है। 82 लोगों ने जी अपनी जान जी गुआई उड़ी है जम्मू कश्मीर की गल करा तो 10 लोग जड़े ना वो पूरे हो ही दिन है कोविड-19 की वजह कने। तो दिन ब दिन जे एक्टिव केस दिखने की थोड़ा दिन है वह भी बदा दिन है। अज भी नवे केस जड़े ने वो जम्मू डिवीजन से दिखने थोए ने, और वह भी लोकल भी बथेरे है, ट्रैवलर भी बथेरे है। तो मैं तुसी सारे लोगों की इो आखगी कि तुम इस चीज की मजाक च नहीं लाओ, खाली मूह खटने करने हत्थ तो ता भी गंदे गए रोंदे, जे तुस बाहर कुतै निकलते हो जे कुछ खान लग खान लगते हो तो कम से घटो घट उस तो पहले हत्थ धोरे अच्छे तरीके कन्नै धोई लाओ, ठीक है। तो कन्नै गै एक होर चीज आखगी कि जिस वेले तुसें घर जन्ने होने अपने तो बच्चियां ही जानवरें ही या बड्डियां कन्नै लाड लाने को पहले दोबारा तुसें हत्थ धोई लो। तो यह निक्की मोटी चीजा जी जिंदा ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीजा जल्दी अहें ज्यादा खुश होंगे या जहां जिस वे ज्यादा एक्साइटेड होई जाने तो यह चीजा साढ़े दिमाग तो जी निकली जाती है, और इो चीजा जड़िया ने वह बाद चू सू अस्पताल तक ले जाए। तो तुम सारे लोगों ही आखगी अपना ध्यान रखो, जे कोई कुसी दी ट्रैवल हिस्टरी है तो छपाओ नहीं, जाइए अपना टेस्ट जरा जरूर कराओ। तो कन्नै गै इयो आखगी जे कुसे गी सिम्पटम्स जे लगा देना है कि मिगी साह लैने की दिक्कत आ रही है, बुखार है या कख भी है, तो ढिल नहीं पाओ है, लेट नहीं करो है, झट जाइए अपना कोविड-19 का टेस्ट जरा कराओ, एक ढंगा दे डॉक्टर की जाइए दसो और अपना इलाज जरा तुरंत जरा कराओ। ये ना हो अपनी ढिल मारने के चक्कर च बाकी टब्बर भी जरा वो बीमार हो गया या बाकी टब्बर भी जड़ा है कोविड-19 का शिकार जड़ा हो गया है। आखिर च इो आखगी अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, टब्बर का ध्यान रखो, और जो आंढ़ गुआंढ़ ने जड़े की लापरवाही करा देना है या जो ज्यादा फालतू चुके रोकिए रखो ताकि ये बीमारी जी एक तू 10 च ना फैले। तो फिलहाल तुम्हें मिगी दे इजाजत, कल परती हाजिर होगी इो बुलेटिन लेइए तुसे सारे लोगों के सामने, और कन्नै गै इयो आखगी TSL जड़ा है वो दिखना नहीं।